रायपुर में कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में और घोटालों को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज बूढ़ा तालाब धरना स्थल में प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल रविवार को आपके कुछ नेताओं ने पीएससी मामले में सीएम के काफिले को काला झंडा दिखाया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आज के प्रदर्शन को लेकर आपके प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपैदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस की सरकार को चुना था, लेकिन इनके काम सिर्फ पोस्टरों में दिखता है। छत्तीसगढ़ को घोटालों का गढ़ बना दिया है। सरकार दमन पर उतर आई है, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा है। सरकार छत्तीसगढ़ की आवाज को दबाने का काम कर रही है। सरकार घबरा गई है। उन्होंने 36 वादे किए थे, 36 वादे धरातल पे तो दिखते नहीं, होर्डिंग और पोस्टरों में दिखते हैं, लेकिन 4.5 साल में छत्तीसगढ़ को इन्होंने घोटाले का गढ़ जरूर बना दिया, भ्रष्टाचार का गढ़ जरूर बना दिया। लगातार छत्तीसगढ़ सरकार के घोटालों को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आवाज उठाते हैं। प्रदेश की सरकार आंख और कान सारा बंद करके घोटाले करने में लगी हुई है।